अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद ताहिर। एबी ऑफिशियल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थाईलैंड की नौमौलूद बच्चों की हिफाजत के लिए एक अहम इकदाम के बारे में। बरतानवी खबर रसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक के अस्पताल में एक अहम ऐजाद जहां नौमौलूद बच्चों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए फेस शील्ड का इंतजाम किया गया है और डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इंतजामिया ने पैदा होने वाले बच्चों के चेहरे पर हिफाजती शील्ड पहना दी है ताकि वो बच्चे वायरस से महफूज रह सकें। और मजे की बात ये, अस्पताल इंतजामिया की जानब से एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें नर्सेस दो नौमौलूद बच्चों को गोद में लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे शील्ड से ढके हुए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हम पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इकदामात कर रहे हैं ताकि ये नन्हे मेहमान जरासीम से महफूज रह सकें। और डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस उम्र रसीदा अफराद के साथ साथ 5 साल से कम उम्र बच्चों को भी मुतासर कर सकता है। इसकी वजह इन बच्चों का वीक इम्यून सिस्टम है। दरअसल 2 अप्रैल को अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से नौमौलूद बच्चे की हलाकत सामने आई थी जिसके बाद दुनिया भर के अस्पतालों ने बच्चों के हवाले से खसूसी इंतजाम किए। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।